बिलासपुर जिले में इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बिलासपुर जिले में लगातार डायरिया और मलेरिया के मरीज सामने आ रहे हैं, जिसके कारण जिले में स्वास्थ्य अमले के साथ साथ आम लोगों में भी हड़कंप का माहौल है। इसे लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। बिलासपुर जिला इन दिनों डायरिया और मलेरिया जैसी बीमारियों के साए में है। जिले में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक मौत डायरिया से और 5 मलेरिया से हुई है। कोटा क्षेत्र में मलेरिया के 115 मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि प्रशासन ने 36 झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिक को सील किया है और हालात पर काबू पाने की बात कही जा रही है, लेकिन मलेरिया के मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है। वहीं रतनपुर में डायरिया का प्रकोप जारी है, जहां 24 नए डायरिया मरीज मिले हैं। जिले में अब तक डायरिया के 845 मरीज आ चुके हैं, इनमें से 786 मरीजों का इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया है। वहीं 53 मरीजों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। अभी डायरिया से फिलहाल 800 के आसपास मरीज जो है आ चुके हैं और डेली जो है कम से कम 33 से लेकर के 40 के बीच में मरीज जो है वहाँ पे भर्ती रहते हैं रतनपुर हॉस्पिटल में। वहाँ पे हम लोगों ने 50 बेड की व्यवस्था कर दी है। कुछ बहुत गंभीर हालत में रहते हैं, उनको हम लोग सिम्स भेज देते हैं। मलेरिया के अब तक कोटा क्षेत्र के जो वन ग्राम है वहाँ 93 मरीज अब तक जो है मलेरिया के आ चुके हैं, उसमें 13 मरीजों को हम लोग को सिम्स में भर्ती कराना पड़ा, जो लग रहा था कि गंभीर स्थिति में आ सकते हैं। एक ओर जहां लगातार बढ़ती बीमारियों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वर्तमान सरकार स्वास्थ्य सुविधा को लेकर निष्क्रिय है और लगातार मांग करने के बाद भी आवश्यक कदम जिले में नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज सैकड़ों लोगों की जान पर बनाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा की कमी से छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाएं जूझ रही हैं। कांग्रेस के तमाम आरोप के बीच भाजपा ने इसे कांग्रेस को विपक्षी मुद्दा बता रहे हैं और हालात जल्द सुधरने की बात कह रहे हैं। रतनपुर में डायरिया का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये लगभग एक महीना हो गया है, और जहाँ जहाँ शिकायत मिल रही है कि यहाँ पे पानी से डायरिया का प्रकोप बढ़ रहा है करके, वहाँ पे सीधा सीधा नगर पालिका द्वारा स्थानीय शासन द्वारा पानी सप्लाई ही बंद कर दिया जा रहा है और पानी सप्लाई बंद करके चुपचाप हाथ बांध के बैठे हुए हैं। जबकि इसमें ये होना चाहिए कि जहाँ पे पानी की सप्लाई है और जो पाइपलाइन है वो गंदे पानी से होके गुजर रहा है, वहाँ उसमें सुधार कार्य होना चाहिए। इसमें उस तरह से कार्य नहीं किया जा रहा है। डायरिया का 2-3 केस मिला और उस पर हमने द्रुत गति से पाइपलाइन इधर उधर जो गंदगी है उसको जो है नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा जो है लगातार सतत प्रयास से दुरुस्त किया गया है। फिर भी वहाँ लगातार जो है 2-3 केस आते रहे हैं अभी तक, तो अभी बीच में जो है CEO साहब और SDM साहब दौरे में आए थे, तो उनके मौखिक आदेश में जो है वहाँ के पंप को बोर को जो डायरेक्ट सप्लाई हो रही है उनको बंद करने का निर्देश दिया गया था। एक ओर जिले में लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि आम जनता के हित में क्या फैसले लिए जाते हैं और कब तक स्वास्थ्य सुविधा दुरुस्त हो पाती है। ग्रैंड न्यूज के लिए रतनपुर से रवि तंबोली के साथ कान्हा तिवारी की रिपोर्ट।